हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है क्या, जैसे इसको नॉर्मली आप ये समझो, जैसे आप घर में प्लांट लगाते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करोगे, ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करोगे। ऑब्वियसली बात है, अगर वो हार्ड है तो उसको क्या करोगे, जो हम बोलते हैं खुरपा वगैरह से, उससे क्या करोगे, उसको क्रैच आउट करोगे ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ी भुरभुरी सी हो जाए मिट्टी, है ना। फिर क्या करोगे, आप प्लांट को लगाओगे उसके अंदर, ठीक है, सोइंग करोगे, फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करोगे, मैन्योर वगैरह। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर होता है देसी खाद, और फर्टिलाइजर्स होता है जो आपका केमिकल्स वगैरह से बनता है, ठीक है। मैन्योर होता है जो नॉर्मली जो है डिकम्पोज करने से बनता है, ठीक है, चीज़ों को। इरिगेशन मतलब क्या, ऑब्वियस बात है पानी भी डालोगे उसमें उसके बाद, ठीक है, और प्रोटेक्ट करोगे वीड से। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है, गमले में आप देखना साइड में दूसरे प्लांट्स भी उग जाते हैं, ठीक है, जिसे हम घास फूस टाइप बोलते हैं ना, ठीक है, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करोगे, उनको निकालोगे आप, ठीक है। अब ये हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये दो स्टेप यहाँ एग्रीकल्चर के पर्पज़ में आ जाएंगे, बिकॉज वहाँ फसल को काटना भी होता है ना, तभी तो वो प्रोड्यूस होंगी फसल्स, ठीक है। जैसे वीट है, वीट अब ऑब्वियस बात है उसे निकालना भी तो है गेहूं को वहाँ से, ठीक है ना, तभी वो प्रोड्यूस होगी और जो है वो मार्केट में आएगी, और स्टोर भी करना पड़ेगा उसको। अब लार्ज क्वांटिटी में है तो पहले स्टोर ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि हाथों हाथ ही बिक जाएगी वो, ठीक है ना, लोगों तक पहुंच जाएगी, तो सबसे पहले स्टोरेज भी करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में जो है एक्स्ट्रा आती हैं, बाकी जो उससे ऊपर जो ये फाइव चीज़ें हैं ये आपको नॉर्मली पता है, आप घर में अगर नॉर्मली गार्डनिंग वगैरह करते हो तो उसमें से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में क्या आ गया, नंबर वन तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आ गया, सेकेंड आ गया सोइंग यानी कि प्लांट्स को लगाना या बीज को बोना, थर्ड आ गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिंचाई बोलते हैं हिंदी में इरिगेशन को, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन प्लांट है उससे अलग जो प्लांट्स आ जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स अपने आप से पैदा होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग कटाई यानी कि जो फसल हमने लगाई है उसकी अब क्या होगी, हार्वेस्टिंग होगी। स्टोरेज, फिर उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद उसको जो है बेचा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल की, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो दो स्टेप में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है प्लॉइंग और फिर आता है लेवलिंग। प्लॉइंग क्या होता है, प्लॉइंग होता है जो आपकी जो मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी है, उसको लूज करना और उसको टर्न करना, ठीक है, लूजनिंग करनी और टर्निंग करनी सोयल की, से बोलते हैं हम प्लॉइंग, ठीक है, या फिर हम इसको टेलिंग भी बोलते हैं, ठीक। अब ये किसकी हेल्प से होती है, ये होती है प्लो की हेल्प से, उसी से नाम आया प्लोइंग, ठीक है। प्लो क्या होता है, जैसे हमने हिंदी में सुना होगा हल, ठीक है ना, तो प्लो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब ये कई तरह के हो सकते हैं, ये हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हमारे टूल्स हैं जिनसे हम प्लोइंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि प्लो है जो कि या तो जो बैल होते हैं उनसे चलाया जाता है या फिर ट्रैक्टर के थ्रू वो चलाया जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पर ये देखो जरा, ये है प्लो एक, ठीक है, अभी दिख ही रहा होगा किस तरीके से है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये लगा होगा ये चीज़, ठीक है, इसकी ये वाली चीज़ बूल्स ने, ये देखो यहाँ पर ये नीचे धरती में जा रही है ये, ठीक है, और ये देखो ये मिट्टी क्या हो रही है, इससे लूजन हो रही है और ये इसको पलट भी रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड है ताकि मिट्टी को ये क्या करे, लूजन भी कर दे और इसको पलट भी दे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और इसकी ये वाली चीज़ देख रहे हो, बुल्स के यहाँ पर इसको ये अटैच किया हुआ है और ये बुल्स इसको खींच रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया बुल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ट्रैक्टर के थ्रू भी होते हैं, आजकल टाइम में तो ट्रैक्टर्स के थ्रू ही होता है, जिससे कि आपका लेबर और टाइम दोनों ही बचते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हमने ये पढ़ना है यहाँ पर कि प्लो है और जो कि ड्रीवन होता है पेयर ऑफ बुल्स से या फिर ड्रीवन बाई ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लोइंग के बारे में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग, क्लियर है, जो प्रोसेस है लूज करने की और टर्न करने की सॉइल को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉइंग या फिर टीलिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो विच इज आइदर ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और ड्रीवन बाय अ ट्रैक्टर, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये प्लॉइंग करने की एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फायदा है हमें ये सब करने का, ठीक है। अब देखो प्लॉइंग करने से होगा क्या क्या, नंबर वन समझते हैं, कहता है रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। ऑब्वियस बात है, अगर लूज हो गई है सॉइल तो ऑब्वियस बात है, अब जो आपने जो वहां पर क्रॉप लगाई है यानी कि जो प्लांट लगा है उसकी रूट क्या होगी, आराम से पेनिट्रेट करेगी सॉइल में, और उसकी हेल्प से क्या होगा, प्लांट जो होगा वो मजबूती से क्या होगा, फिक्स होगा, समझ रहे हो ना, दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली, फर्मली मतलब मजबूती से फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि डीपली चला जाएगा, ठीक। सेकेंड क्या कहता है, रूट्स ब्रीद ईजिली, ऑब्वियस सी बात है जब आपने लूज कर दी सोयल, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगी, ईजिली ब्रीद करेंगी, बिकॉज एयर स्पेस रहेगा वहां से, क्या होगा, रूट्स ब्रीद कर सकती हैं ईजिली, ठीक है। थर्ड वन इस क्या है, ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स एंड माइक्रोव्स। देखो क्या हो गया, लूज कर दिया आपने सॉइल, ठीक है, और पलट भी दिया उसको, उससे क्या होता है, जो अर्थ वर्म्स है और माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो देखो आसानी से ऊपर आ सकते हैं,
समझ रहे हो, जो ये क्या होते हैं अर्थवर्म्स, जो जमीन के जो कीड़े हम बोलते हैं वो होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, धरती में पैदा होते हैं, तो अगर लूजन है जो मिट्टी है तो ये बाहर भी निकलेंगे, समझ रहे हो बात आराम से। तो ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स हो गई इसकी हेल्प से। अब इससे किसानों को क्या फायदा है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है भाई, दोस्त होते हैं फार्मर के, किसान के, सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन टर्न एंड लूजन द सोयल। अब देखो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, लेकिन कैसे हैं, देखो फार्मर ने तो एक बार लूज कर दी, ठीक है, लेकिन ये अर्थवर्म्स क्या करते हैं, निकल रहे हैं बाहर, अंदर जा रहे हैं, उससे क्या होता है दोबारा ये लूज करते हैं सॉइल को, समझ रहे हो, और टर्न करते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से दोबारा टर्न हो रही है और लूज हो रही है सॉइल, ठीक, ये फायदा हो रहा है किसान को। दूसरा, ये ऐड करते हैं ह्यूमस सॉइल में। ह्यूमस क्या होता है, देखो ह्यूमस का मतलब क्या है, देखो जैसे ये जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आए ये वाले, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ये निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर ही हो रहे हैं, धरती में ही हो रहे हैं, मिट्टी में ही हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो डिकम्पोज हो रहे हैं वहाँ, और जिसकी वजह से सोयल में क्या होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोयल में आते, वही मतलब यहाँ पर क्या है ह्यूमस ट्वीट, एड ह्यूमस ट्वीट, यानी कि एक तरह का जैसे हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो ये भी हमारे उसी में हेल्प करते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स जो सोयल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, क्लियर है बात। तो एक तरह से क्या हो गए फार्मर्स के फ्रेंड ही हुए, ठीक है। फोर्थ वन क्या है हमारे पास, देखो फोर्थ वन क्या है, इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। ऑब्वियस ही बात है जब आप लूज कर रहे हो सोइल को, ठीक है, टर्न कर रहे हो, लूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जो उसमें अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वो भी सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या कहता है, ब्रिंग न्यूट्रेंट रिच सॉइल टू द टॉप। ऑब्वियस बात है जब टर्न कर रहे हो उसको सॉइल को, तो जो न्यूट्रेंट रिच सॉइल है नीचे जो थी वो ऊपर आ जाएगी, एंड सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रेंट, और प्लांट्स क्या कर सकते हैं उन न्यूट्रेंट्स को यूज कर सकते हैं, मतलब वो जो क्रॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप तो प्लॉइंग का हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। सेकंड स्टेप आता है हमारे पास लेवलिंग का। अब ठीक है आपने क्या किया, उसको लूज कर दिया, टर्न कर दिया, लेकिन अब वो क्या हो गई, उबड़ खाबड़ सी मिट्टी हो गई वहां पर, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है उसको लेवल भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, लेवल तो करना ही पड़ेगा। तो लेवलिंग में क्या होता है, आपके पास जो लेवलर होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है, भारी होता है, ठीक है, वो क्या करता है उसको थोड़ा सा, अब देखो ऑब्वियस बात है या तो बुल्स के पीछे बांध देंगे उसको या ट्रैक्टर के पीछे लगा देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा जो लेवल है वो भी हो जाएगा सोइल का, और थोड़ी सी प्रेस भी हो जाती है सोइल, समझ रहे हो। अब इसके हम फायदे देखेंगे कि लेवलिंग से फायदे क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो लेवलिंग में क्या कहता है, आफ्टर प्लोइंग द प्लॉड लैंड, जो आपने टर्न कर दी सोइल को या लूज कर दिया, उस लैंड में क्या होगा अब, इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक होगा, ठीक है, और आयरन लेवलर या फिर आयरन का लेवलर होगा वो, ठीक है। और ये लेवलर जो होते हैं कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स या फिर ट्रैक्टर, ये सब बातें हमने आपको बताई दी है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है लेवलिंग की, मेन कहानी पे ये आना है हमें कि एडवांटेजेस क्या है लेवलिंग की। देखो सबसे पहला फायदा तो क्या है कि ऑब्वियस ही बात है कुछ जो मिट्टी के होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं ना, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं, बड़े बड़े पीसीज होते हैं मिट्टी के, ठीक है, वो रह जाते हैं, तो जब हम लेवलिंग करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, क्रस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मिट्टी के जो बड़े बड़े पीस रह जाते हैं जब हम टर्न और लूज करते हैं सॉइल को, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। द प्लॉड फील्ड मे हैव, जो हमने अभी लूज और टर्न की सॉइल को, उस फील्ड में मतलब उस खेत में बिग पीसीज ऑफ सॉइल भी रह जाते हैं जिनको हम क्रम्स बोलते हैं, और विच नीड टू बी क्रस्ड, और जो कि क्रस्ड होने जरूरी है, और वो किसकी हेल्प से हो जाते हैं, लेवलर से हो जाते हैं, समझ रहे हो बात, क्योंकि वो थोड़ा भारी भी होता है तो उसके साथ हल्का सा प्रेस भी करेंगे, तो वो जो क्रम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रस्ड हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है, इट प्रिवेंट सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब आपने लेवलिंग की और ऑब्वियस बात है उसने उसको लेवल भी किया, थोड़ा सा प्रेस भी किया, तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि एक तो मिट्टी उड़ेगी नहीं हवा में, ठीक है, और दूसरा जब हम ऑब्वियस बात है फसलों में पानी देंगे तो पानी के साथ वो मिट्टी भी नहीं बहेगी, क्योंकि थोड़ी सी वो आपने क्या कर दी थी, प्रेस कर दी थी, समझ रहे हो। तो यही मतलब यहाँ पर है कि द लेवल्ड सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे, ब्लोन मतलब उड़ेगी नहीं बाय द विंड, और ड्रेन्ड बाय द वाटर, और ड्रेन भी नहीं होगी यानी कि पानी के साथ बहेगी भी नहीं, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ऑब्वियस बात है जब एक खेत को आपने लेवल्ड कर दिया तो जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि अगर उबड़ खाबड़ जमीन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, कहीं जगह पानी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं जगह कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेवलिंग करने से क्या होगा कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको लेवलिंग और उसके एडवांटेजेस। अब नोट में हमने क्या बात लिखी है कि समटाइम्स क्या होता है, देखो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी इसमें हमने यहाँ पर एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर यहाँ लिखा है थर्ड नंबर पर, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग होगी यानी बीज बोए जाएंगे, उसके बाद मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड होंगे, ठीक है।
लेकिन समटाइम्स, यहाँ यही चीज़ नोट में लिखी है कि समटाइम्स क्या होता है, ये जो मैन्योर ऐड होता है सोयल में, ये हम बिफोर प्लॉइंग कर देते हैं, क्योंकि देखो पहले ही हमने मैन्योर डाल दिया, मतलब जो खाद है वो डाल दिया, उससे होगा क्या, जब प्लॉइंग हो रही है, प्लॉइंग क्या कर रही है, लूज भी कर रही है सोयल को और टर्न भी कर रही है, उसकी हेल्प से क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा खाद पूरा का पूरा सोयल में, ठीक है ना, और फर्टिलिटी ऑफ सोयल इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैन्योर को पहले ही ऐड कर देते हैं बिफोर प्लॉइंग, ठीक है ना, तो यही लिखा हुआ है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉयल बिफोर प्लोइंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, ठीक है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पहले ही ऐड कर देते हैं प्लोइंग से, ताकि जब प्लोइंग होए तो क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैन्योर उसमें। बात समझ में आई है, बताओ, ठीक है। तो ये देखो आप इसको अपने जनरल चीज़ों से ही जोड़ के देखना, आप घर में गार्डनिंग वगैरह करते हो ना, ठीक है, तो उससे आपको एक क्लियर कट होती रहेंगी चीज़ें की हैं क्या, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो टूल्स हैं प्लॉइंग के वो क्या क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।